दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं और क्या नियम होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ लड्डू गोपाल को सुबह वो जैसे हम वो नाश्ता बनाते हैं या बच्चों के लिए स्कूल के लिए टिफिन लगाते हैं या हम मार्केट से नाश्ता कुछ भी लेके आए, तो पहला, हाँ बेटा अभी रुको, पहला है ना भोग हम अपने लड्डू को लगाएं और लड्डू का कुछ भी भोग हो तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो तुलसी की माला को स्पर्श करा दो। तो अब मैं है ना दूध में भी है ना तुलसी का पत्ता पड़ा है और मैंने है ना पिला रही अपने ठाकुर जी को, अपने नहीं आप सभी के हैं ये, आप सभी के हैं ठाकुर जी, भगवान सबके हैं, प्रभु सबकी रक्षा करने वाले हैं। अब ये हैं भोले बाबा, तो लड्डू गोपाल को मैंने खिलाया और भोले बाबा ऐसे बैठे रहे ऐसा नहीं, अब तो मैंने भोले बाबा को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते हैं, तो इसमें मैंने तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया है। तो मैं भोले बाबा को भी कहती हूँ, हे प्रभु जैसा हमने बनाया है रूखा सूखा जैसा है हमारा स्वीकार करो, प्रभु हमारा स्वीकार करो, ऐसे बोलो प्रभु आपका स्वीकार करेंगे, जैसा है प्रभु ऐसा स्वीकार करो हमारा। और जैसे हम पूजा करते हैं तो कुछ भी गलती हो जाए तो बस बोल दो कि हे प्रभु हमसे भूल चूक कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना, तो ये सबको माफ कर देंगे। ये तो हमारे वैसे भी भोले भंडारी हैं तो सबको माफ कर देते हैं। तो तुलसी पत्ता जैसे हम भोग लगाते हैं जैसे नाश्ता या बच्चों के लिए टिफिन या फिर खाना कुछ भी सुबह शाम दोपहर को बनाएं, तुलसी का पत्ता लगा इसमें डालना नहीं भूलें। और ये है भोले बाबा, तो इसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाला, इसमें मैंने शक्कर डाला है और तुलसी का पत्ता भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है और नहीं इनकी मैंने भोग में डाला। ये मैंने अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार किया था तो अब ये टिफिन में रख दूंगी बच्चों के, ये हो जाएगा प्रसाद। जैसे हम कुछ भी घर में बनाएं तो जैसे जल पीने वाला जल में डाल दें ये, और दूध दूध में डाल दें, ये खाना सबको मिक्स कर दें तो ये हो जाएगा प्रसाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।